देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी चिंता व्यक्त करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार यहां तक कर देते हैं, लोकल फॉर लोकल वो नहीं कह सकते हैं कि बड़ा देश प्रतिबंध लगा हुए। G20 के मीटिंग में लेह लद्दाख को दिखा दिया गया भारत में, इसलिए चाइना इस कार्यक्रम में नहीं भाग लिया। और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं लोकल फॉर लोकल, लोकल चीजों को प्रमोट करने के लिए हम वोकल करें, चर्चा करें। और इस कारण से मेरे देश में टूरिज्म बढ़े, अर्थव्यवस्था हो, और शायद उन्हीं के प्रयास से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत गई इस पटल के पांचवें मकान पर। वो दिन दूर नहीं है जो टूरिज्म हमारे पास 2% है, जल्दी ही 18% 19% पहुंचेगा। जिम्मेदारी आपकी होगी। यूपी गवर्नमेंट यूपी इन्वेस्टमेंट समिट में 19 बनाया कंपोनेंट, उस 19 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट टूरिज्म का, और टूरिज्म में सरकार आपको दे रही सब्सिडियां अलग टूरिज्म, विलेज टूरिज्म। यहां जो बैठे लोग हैं जिनके रिश्ता गांव से खत्म हो गया होगा, उनको यह नहीं पता है कि मूंगफली कहां पैदा होता है। कार्तिक के बच्चे को रुचि रहती है कि मूंगफली कहां, देखें खेती कहां होती है, ऊपर है जमीन के नीचे। कुछ बड़े बड़े नेता कहते हैं कि आलू की फैक्ट्री लगा लू। अब आलू की फैक्ट्री लगाने के बाद कह रहे हैं, और हमारे जो यह बच्चे हैं वो चाहते हैं कि मैं अपने गांव को देखूं। तो विलेज टूरिज्म में क्या है कि आज की सच्चाई कि हमारे विलेज के अंदर जो कल्चर, विलेज तो अच्छा है लेकिन कल्चर में जो है वो कल्चर को भी हमें प्रमोट करना पड़ेगा। भारत में कल्चर टूरिज्म का भी संभावना है। कल्चर क्या है, यहां के हर त्योहारों के पीछे कुछ न कुछ अर्थव्यवस्था लगाया गया है। दिवाली के त्योहार है तो मिठाई वाले की बिक्री होगी, पटाखे वाले की होगी, कुम्हार की होगी, दिया जो बनाता है। हमारे सारे त्योहार जो कल्चर बनाया गया है वो सबकी अर्थव्यवस्था को ग्रोथ करने के बनाया गया है। पता नहीं पूर्वांचल में होता है, पूर्वांचल में शादी विवाह भी एक कल्चर में, उसने भी अर्थव्यवस्था का है। यानी गांव के अंदर हम जो कल्चर बनाए हैं उसमें जितने लोग गांव में रहते हैं उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए, हमने जोड़ दिया उसको अपने विवाह की प्रति में। कुम्हार बढ़ई है, कुम्हार की बढ़ई भी यहां गांव में रहते हैं, भूजा पर पूजा रहता है, पान वाला प्रणाली रहता है। ये सारे को हमने अपने शादी विवाह जोड़ा ताकि सबकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो। हम मंत्रियों के पास दो दो जिले का प्रभार होता है, मैं प्रभारी मंत्री हूं गाजीपुर सोनभद्र का। महिलाओं के समूह में सरकार ने उनको अलग अलग स्कीम है कि हर महिलाओं का आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो जाए तो उन्हें समूह बनाती है। समूह में किसी को माला करने के लिए, किसी को गाय देती है, दूध बनाओ पनीर बनाओ, तमाम आइटम बनाते हैं। हमने उनसे कहा कि अब कल्चर में जो हमारे घर के अंदर शादियों में लोग गीत गाते थे, बुआ चाची मौसी गाना गाती थी, गीत गाती थी, और हर संस्कार गीत था। अब न बुआ है चाची, हम तो हमारे दो वाले हैं, तो चाची या बुआ कोई अभी रहने वाला है तो गायक को समूह वालों से हमने कहा कि समूह वालों को वह कल्चर गीत हमारे हैं, परंपरागत गीत हैं, उनके समूह को ट्रेनिंग करा दिया जाए। और दिल्ली से बॉम्बे से जो डिमांड आती है कि मेरे बेटे की शादी है वो समूह आ जाओ और कल्चर वाले गीत गाए, हम उसको यहां प्रमोट करेंगे। हम प्रमोट करेंगे अपने त्योहारों, क्या शानदार हमारे यहां त्योहार मनाया गया है। हम बात करते हैं काशी का, होली का त्योहार होता है, होली के त्योहार को कुछ शराबियों ने खराब कर दिया है। यह मान लिया है कि होली मतलब शराब ड्रिंक करना है, और इस कारण शरीफ आदमी घर से बाहर निकलता नहीं, जबकि बड़ा शानदार यह व्यवस्था है कि टीसू के फूल को, गुलाब के फूल को गर्म पानी में डालने के बाद जब नेचुरल गर्म होता है उससे हम रंग खेलते हैं, और उसके बाद जो हमारी परंपरा के जब मौसम बदलाव आता है तब टीसू पता होता है। तो टीसू का होली हो
और जीत यहाँ वाराणसी में 12 महीने है, तो 12 महीने एक होते हैं। अभी चल रहा है सावन, सावन में कजरी करते हैं, इसके अलग बोल होते हैं। फिर आएगा भाव, भगवान के सर का जन्म होता है, बधैया करते हैं, उसके अलग बोल होते हैं। उसी प्रकार से भाग में फगुआ करते हैं, उसके अलग बोल है। फिर चैत के महीना में चैती आता है, जब होली पड़ता है, तो क्या शानदार था हमारे परंपरा, लेकिन उसको खराब कर दिया था। हमारे त्योहारों को भी हमें जोड़ना पड़ेगा। और एक स्टेज पर होटल परिसर के अंदर हम चलो भारत में जो हम नहीं भी कराते हैं कि यह बनारस महोत्सव है या लखनऊ महोत्सव है, उससे करने के बजाय हमें अंतर्राष्ट्रीय लाना पड़ेगा। 12 महीने के 12 त्योहार को हमारे पास होली काशी प्रसिद्ध है, मथुरा का प्रसिद्ध है, तो वहां पंजाब का कुछ त्योहार है, कुछ त्योहार केरल के हैं, कुछ त्योहार तमिलनाडु के हैं। यानी 362 दिन में हमारे पास कोई सा दिन नहीं है जब त्योहार ना हो। तो क्यों ना प्लान किया जाए 1 वीक का या 15 दिन का एक फेस्टिवल को उस स्टेट के अंदर हो, चाहे यूपी के अंदर हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर हो। उस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए पूरे विदेश से लोग आएंगे और भारत की व्यवस्था अच्छी बन जाएगी। माना कि हमारे पास होली होता है का, हम अपने यहाँ होली के त्यौहार मनाएंगे 15 दिन के लिए। जो यहाँ टूरिस्ट आता है उनके लिए हम स्थान दे रहे हैं, आओ 15 दिन चलेंगे। फिर पंजाब के अंदर 13 अप्रैल क्या होता है त्यौहार होता है लोहड़ी होती है। लोहड़ी एक दिन क्यों, टूरिस्टों के लिए लोहड़ी मनाए 15 दिन के लिए। हम दिवाली मनाते हैं 15 दिन के लिए। तो हमारे पास जो फेस्टिवल का त्यौहार पर भोजन प्रमोट करने के लिए हमें चिंतन करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हमने वहां पर सोनभद्र के अंदर देखा कि खूब संभावना है। सरकार ने जो टूरिज्म में पॉलिसी दिया है कि दिखा से फिर सीन करना भी देखा था पेड़ों पर, तो इको फ्रेंडली टूरिज्म अब यहाँ के लोग सरकार को दे सब्सिडी, सब्सिडी कितना है आपके इन्वेस्टमेंट पर 40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी है, 40 करोड़ रुपए तक। और 40 करोड़ मेरे विभाग के द्वारा पूरी प्रॉपर्टी को लीज कराइए, आप रजिस्ट्री कराइए, स्टाम्प फ्री कर दिया गया है, स्टाम्प छूट कर दिया गया है, और स्टाम्प है उस पर। उसके अलावा क्या छूट दे रहे हम लोग कि आप आइए और इसमें इन्वेस्ट करिए, तो 5-स्टार होटल तक में हमें 500 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट, 40 करोड़ तक सब्सिडी बढ़ रहा है। अगर फीमेल को स्टाम्प रखेंगे आप तो 2% का और दे रहे सब्सिडी। अगर आप 150 मैन पावर रख रहे हैं तो आपका सब्सिडी और बढ़ जाता है 1% का। यानी यूपी गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था को टूरिज्म में काफी संभावना है। और संजोग से देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी आदमी जब टूर करने जाता है तो उसको कहीं ना कहीं जो उसको मन पसंद होता है, जहाँ श्रद्धा होती है, उसको एंजॉय करता है। भारत का जो टूरिस्ट है वह 90% लोग धार्मिक होते हैं। वो जहां भी जाएंगे, आगरा भी जाएंगे, तब भी वहां पर पहुंचेंगे कि जिसकी आस्था जिसमें है, किसी की आस्था चर्च में, किसी की आस्था मस्जिद में, किसी की आस्था मंदिर में है। तो जब तक वो मंदिर में नहीं जाएगा तब तक उसकी यात्रा पूरी नहीं होती है। और काशी भोले की नगरी है, माँ गंगा की नगरी है, और सारनाथ भगवान बुद्ध ने यहाँ से दीक्षा लिया, इसकी नगरी है। फिर हमारे पास प्रभु राम अयोध्या में उत्तर के अंदर है, मथुरा है। यानी हमारे पास कहा गया है कि त्रेता सतयुग ये सारे जो भगवान आए जिस अवतार लिए हैं वो अधिकांश राम भी यहीं पर है, शंकर भी यहीं पर है, और कृष्ण भी यहीं पर है। यानी कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग पूरे विश्व में कि विश्व के लोग वह उत्तर प्रदेश की ओर आना चाहते हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश का दर्शन करा रहे हैं। उनको दर्शन कराएं ऐसे कि आओ यूपी में जहाँ प्रभु राम भी हैं, आओ यूपी में जहाँ प्रभु कृष्ण भी हैं, आओ यूपी में जहाँ भगवान शंकर भी हैं, आओ यूपी में जहाँ माँ गंगा भी है। पर्यावरण की बात करते लोग कभी करते हैं, जो हमारी सोच है जब विश्व पूर्व भारत था भाई, तो हम तो देखते हैं कि यूनिवर्सिटियों जो रैंकिंग होती है उस रैंकिंग में भारत का नंबर 2800 के ऊपर आता है। 100 के रैंकिंग में वर्ल्ड के रैंक में भारत आता है, केवल आईटी में आता है 100 के रैंक में, बाकी 2800 के ऊपर आता है। तो मेरे को लगता है कि ये जो हम विश्व गुरु थे जो इतिहास से पढ़ते हैं, यह सही था कि नहीं सही था? अगर सही था विश्व गुरु थे तो आज के एजुकेशन के सेक्टर में हमारा रैंक 250 क्यों आ रहा है, हमारा रैंक
इस फर्स्ट में क्यों नहीं आता है? तो मेरा मानना है कि आज भी भारत फर्स्ट रैंक में है। जो माफ करने वाली संस्थाएं हैं वो गलत ट्रैक पर है। हमने क्या किया था, अपने एजुकेशन में जोड़ा था, जिस पर्यावरण की बात ये आज कर रहे हैं, मानवता की बात आज कर रहे हैं, हमने तो मानवता पर्यावरण को वेदों पुराणों से जोड़ा और जोड़ने के बाद कहा कि वाटर से हमारा आज रहा विश्व, और हमने वाटर सेप को तो माँ गंगा कह करके पहले से किया था कि माँ गंगा है, माँ जमुना है, माँ सरस्वती है, वाटर इज लाइफ, उसको गंगा से जोड़ते थे, माँ गंगा करके जोड़ते हमने जोड़ा पेड़ों को। आज बातें करते हैं कि हरियाली में जाओ पेड़ लगाओ, ये अमेरिका चिल्लाता है, जापान चिल्लाता है, हमने तो अपने कल्चर में जोड़ दिया था कि पेड़ की रक्षा करने के लिए कि पीपल के पेड़ को मत काटना, भगवान वासुदेव उसमें वास करते हैं, क्योंकि पीपल वह पेड़ है जो 24 घंटा देती है ऑक्सीजन, उसको बचाने के लिए जोड़ दिए थे, ये वासुदेव वास करते हैं, माने ट्री सेम जो होने जुड़ा भगवान से, और इस कारण से हम विश्वगुरु बने। हम विश्वगुरु इसलिए बने कि हम जो कहते हैं कि नहीं आप पहाड़ को मत काटो, विश्वकर्ता के पहाड़ को मत काटो, वो आज खड़ा है, हम तो पर्वत राज करके उसकी पूजा करते हैं, और बाकी लोग कहते हैं कि मानवता अपमानता की बात कहते हैं। हमारे यहाँ तो परंपरा में, भारतीय परंपरा में तो चींटी भी न पाँव में दबे उसको भी आटा खिलाने के लिए धार्मिक जोड़ा था व्यवस्था, इसलिए सबकी रक्षा मानव छोड़ दिए, हम तो जीवों की रक्षा की बात करते हैं, और कहते हैं कि शाकाहारी सब जिएगा, सबको जीने का अधिकार है, और हम तो हमारे परंपरा क्या है, भगवान शंकर के परिवार को बात के बात को करते पूरा विश्व एक परिवार है। शंकर क्या करते हैं कि शंकर का प्रिय कौन है तो बैल है, गले में उनके साथ है, उनके परिवार में कौन है उनकी पत्नी है, पत्नी की सवारी क्या है शेर है, शेर क्या करता है बैल खा जाता है, लेकिन साथ में रहते हैं, साथ में गणेश जी आ गए, उनका प्रिय क्या है चूहा है, चूहा कौन खाता है सांप खाता है, सांप कहाँ है शंकर जी गले में है। हमने मैसेज देने का प्रयास किया कि पूरा मनुष्य से जानवर एक साथ रहेंगे, यही भारत की परंपरा है, और एक साथ रह करके हम भगवान शंकर के पूरे परिवार की पूजा करते हैं, जहां बैल भी है, जहां बैल भी है, जहां सांप भी है, जहां शेर भी है, जहां चूहा भी है, ये मैसेज है कि पूरा विश्व एक साथ रहे, और इस कारण से विश्व थे। हमने अपनी इन चीजों को प्रचार कहां कर रहे हैं, यह 5-4 होटल जिससे कि विश्व पूरा हमसे एडवांस है, अमेरिका में बोला हमसे एडवांस है, हम उनको क्या कहना चाहते हैं, फांसी ये चेयर जो उनके यहां निकल चुका है पहले से किसा था, वो आ रहा है भारत का कल्चर करने के लिए, जो भारत का कल्चर जो वहां के धन सह है, जो कह रहा है कि दुनिया में एक को छोड़ करके, एक फीमेल को छोड़ करके सब उसके बहन है, फीमेल कह रहे हैं, कहते हैं लोग पूरी दुनिया में जितने फीमेल है वो मेरी बहन है, वो कहता है कि मेरा पूरा भाई भाई है, केवल एक को छोड़कर अपने पत्नी छोड़ के सब कहता है कि हर तुम्हें मेरी बहन है। ये सोच किसकी है, देवता जी कहते हैं कि माय ब्रदर करके जब संबोधन करते हैं तो उनका तालियां मिलती है कि ये भारत के ही लोग हैं जो कहते हैं पूरा विश्व मेरा भाई है। हमें अपने सनातन परंपरा को भी दूसरे जोड़ना पड़ेगा, जो हमारी कल्चर वहां जोड़ना पड़ेगा, जो हमारा कल्चर हमारा जो त्यौहार तीज त्यौहार वहां जोड़ना पड़ेगा। संभावना इसमें क्या हो सकती है, हम क्या छोड़ सकते हैं इसमें कि पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आकर्षित हों, लोग आवे, और कहा जाता है कि जैसे आज कई ऐसे टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने पूरे जानकारी को अपने मोबाइल पर लिया है, यानी पूरे हमारे पास जानकारी अगेन हमारे पास मोबाइल पर हो गया है, जिन्होंने बनाया हुआ जिन्होंने तमाम काम किए होंगे उन सबको मेरी शुभकामना है, लेकिन अभी भी हम पीछे खड़े हैं, चैलेंज है सामने, और आप सबके सामने खड़ा है कि आप देश के भविष्य हैं, और जब भविष्य है तो भारत अर्थव्यवस्था में पहले नंबर कैसे पहुंच जाए उसमें आपकी रोल होती है, दूरजन की संभावना है, दूरजन से संबंधित कई ऐसे काम है जिसको प्रमोट किया जाए भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी, यह आपकी जिम्मेदारी है, देश आजाद हो गया है लेकिन अर्थव्यवस्था में पीछे खड़े हैं, इसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है, आप आर्थिक योद्धा के मुकाम खड़े हैं। बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।